हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नए जॉब ओपनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ये काम बेसिकली गाइस टाइपिंग का काम है। ये बेसिकली टाइपिंग और डेटा एंट्री काम है जो कि कोई भी कर सकता है। अगर आप 10th पास आउट, अगर आप 12th पास आउट है, अगर आप एक फ्रेशर है, अगर आप अभी काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो उसके साथ भी इस काम को ईजिली कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, कैसे आपको यहाँ पे काम गारंटी मिल सकता है, कैसे आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, हर चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को आपको लास्ट तक प्रॉपरली देखना पड़ेगा। आप एक भी स्टेप को मिस आउट नहीं करें तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आ पाएगा। तो वीडियो को डिटेल में लास्ट तक देखिए, राइट। और अगर आपको लगता है वीडियो देखने के बाद भी आपको किसी चीज़ की डाउट रह जाती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, राइट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपको यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे जॉब से रिलेटेड, बहुत सारे काम से रिलेटेड वीडियोज आपको डेली मिलते रहेंगे। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए, क्या पता किस वीडियो से आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज हो जाए। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, राइट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो डेटा एंट्री का और टाइपिंग का जॉब है, ये जॉब है बेसिकली TrueLancer.com के जगह से। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बेसिकली गूगल पे जाना है, Google.com पे जाना है और वहां पे आपको टाइप करना है TrueLancer, राइट। TrueLancer जैसे टाइप करेंगे आपको यहाँ पे एक ऐसा पेज ओपन होगा, इस पे आना है और यहाँ पे सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, विच इज बेसिकली TrueLancer हायर फ्रीलांसर एंड फाइंड फ्रीलांसर जॉब्स ऑनलाइन, राइट। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पे लिखा है हायर टॉप टैलेंट अक्रॉस द ग्लोब विद TrueLancer प्राइम, राइट। तो यहाँ से आप किसी भी तरह का जॉब ढूंढ सकते हैं, जैसा भी काम आपको आता है बेसिकली, ये किसी भी तरह का, अगर आपको वीडियो एडिटिंग आता है, अगर आपको फ्रीलांस, अगर आपको डेटा एंट्री काम आता है, अगर आपको टाइपिंग काम आता है या आपको कंटेंट राइटिंग काम आता है, कोई भी काम आता है वो आप यहाँ से इजीली सर्च आउट कर सकते हैं और आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं अपने पढ़ाई के साथ साथ या फिर अपने जॉब के साथ साथ। कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर, इसके बारे में बात कर लेते गाइस। अगर इंटरफेस की बात करें, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाउ इट वर्क्स, प्रॉपर हर चीज़ें मेंशन हो रखी है यहाँ पे। इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बिकॉज अगर मैं हर चीज़ बताऊंगा तो वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। तो इन चीज़ों को डिटेल में आप डिस्कस कर लीजिएगा। चलिए हम सीधे चलते हैं, कैसे आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर है, कैसे आप यहाँ पे काम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप या तो चाहे तो गेट फ्री कोर्स पे आ सकते हैं या फिर आप यहाँ पे साइन अप कर लीजिए। साइन अप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पेज ओपन होगा जहाँ पे लिखा है TrueLancer ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू हायर फ्रीलांसर एंड सर्च जॉब। यहाँ पे 132 से ऊपर देश में अलग अलग लोग काम करते हैं यहाँ पे और 2300 से ज़्यादा स्किल्स है जो कि यहाँ पे आप, अगर आपके पास उनमें से कोई भी एक स्किल है तो आप यहाँ पे इजीली काम पा सकते हैं, राइट। और अगर आप एक एम्प्लॉयमेंट के तरफ से हैं, अगर आपको कोई काम अपना करवाना है यहाँ पे तो भी आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम जॉब जिसको चाहिए, आप जिसको जिसको पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करना है उसके बारे में बात करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट फ्री अकाउंट, आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आप चाहे तो गूगल से या फिर फेसबुक से भी साइन अप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नाम, लास्ट नेम, आपको वर्क, ईमेल आईडी मेक श्योर करिएगा सही है, बिकॉज आपको यहाँ पे सारे मेल और सारे काम आपको वहीं पे मिलेंगे। और आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड डालना है और इसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट करना है और इसके बाद आपको एक और स्टेप करना पड़ेगा, बेसिकली आपके नंबर पूछा जाएगा और आपको वहाँ पे OTP एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करते ही आप लॉगिन हो जाएंगे। आप बेसिकली इसके बाद, मेरा ऑलरेडी चीज़ें बनी पड़ी गाइस, तो मैं ऑलरेडी लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ से आप बेसिकली आराम से अपना काम ढूंढ सकते हैं। कैसे काम सर्च करना उसके बारे में बात करते गाइस। तो आपको बेसिकली काम ढूंढने से पहले आपको बेसिकली क्या करना है, आपको अपने माई प्रोफाइल पे जाना है और अपने प्रोफाइल को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसको अपडेट करना है, राइट। प्रोफाइल को मेक श्योर करिए आप जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे तरीके से प्रोफाइल को बनाइए। प्रोफाइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे, अगर आपको अच्छा काम चाहिए तो, राइट। तो जैसे ही आप प्रोफाइल में आएंगे, प्रोफाइल में आने के बाद आपको यहाँ पे अपना एक पिक्चर डालना है, यहाँ पे अच्छा प्रोफेशनल पिक्चर डालिए, अगर हो सके तो प्रोफाइल पिक्चर डाल दीजिए यहाँ पे, राइट। और वो मेक श्योर करिए कि आपका बेस्ट फोटो हो, बेस्ट पिक्चर हो, ऐसा टी शर्ट वगैरह में फोटो मत डालिएगा। डिस्प्ले नाम नेम यहाँ पे डाल दीजिए आपका जो भी है, और आपका क्या आर्ली रेट चार्ज आप करने वाले काम के लिए वो डाल दीजिए। आई वुड रिकमेंड कि 50 या 100 rupees ही डाल दीजिए, बिकॉज एक इनिशियली आप इस प्राइस से काम करिए, आगे जैसे जैसे आपको काम अच्छे से आता जाएगा आप अपने प्राइस को बढ़ा सकते हैं। जेंडर क्या है वो डाल दीजिए यहाँ पे, कब अवेलेबिलिटी रहेगी, किस अकॉर्डिंगली आपको काम करना, आपको पार्ट टाइम काम करना, फुल टाइम काम करना, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या प्रोफेशन आपको, अगर आपको डेटा एंट्री करना वो यहाँ पे डाल सकते हैं, टाइपिंग का जॉब करना वो यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने वीडियो एडिटिंग का ऐसे ही डाल रखा है यहाँ पे, जस्ट आपको मैं समझा सकूँ प्रॉपर तरीके से।
इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो एडिटर का यहाँ पे टाइटल डाल रखा है, और नीचे आप अपना एक्सपीरियंस अपना अपने बारे में यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप कब से काम कर रहे हैं, कितने काम करे आपने, और क्या क्या एक्सपीरियंस है, और किस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं। तो ये जो अबाउट योरसेल्फ वाला ऑप्शन है गाइस, इसको बहुत प्रॉपर तरीके से आपको एंटर करना है। ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑल दो इंटायर प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही आपके रिक्रूटर के पास, यही जो आपको काम देने वाला है उसके पास यही जाएगा, वो इसको देख करके आपको जज करने वाला है कितना अच्छा आप काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इंटर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो है मेंबरशिप का, मेंबरशिप पे आप जाएंगे, यहाँ पे एक क्या है, एक प्रीमियम है, तो ये इस पे आप इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप इसको स्किप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन, ये बेसिकली काम का नोटिफिकेशन, जब भी काम आपके पास आएगा यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। कैसे काम ढूंढना का इसके बारे में बात करते हैं, आपको क्या करना है, आपको जाना है फाइंड जॉब्स के ऑप्शन में, और यहाँ पे जाने के बाद आपको ब्राउज जॉब्स पे क्लिक करना है। जैसे ब्राउज जॉब्स पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे जॉब आपको मिल जाएंगे, तो आप इनमें से कोई भी जॉब जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पर्टिकुलरली कोई जॉब करना है, सपोज आपको डेटा एंट्री का जॉब, हम देखते हैं डेटा एंट्री का जॉब करना है, तो वो यहाँ पर लिख करके आप उसको सर्च कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे इतने सारे जॉब आ गए, आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है कंफर्टेबल आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जिनमें कम से कम प्रपोजल होगा उसको भी भेजिएगा, बिकॉज वहाँ पे क्या होगा, चांसेस आपके हाई होंगे आपको काम मिलने के। अगर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रपोजल होगा तो चांसेस बहुत कम है कि आप वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, राइट। तो कम से कम में ही आप करिए। हम किसी और डेटा एंट्री के अलावा किसी और जॉब की बात करते हैं, लेट्स फाइंड आउट कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग के रिगार्डिंग जॉब ढूंढते हैं यहाँ पे। तो कंटेंट राइटिंग लिखने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे जॉब आ गए, जैसे देख पा रहे हैं आप, इसमें 36 प्रपोजल गए हैं, यहाँ पे 100 गए हैं। तो आप इसमें से कोई भी एक ओपन करके आप इसको प्रॉपर तरीके से आप स्टडी कर लीजिए कि एग्जैक्टली काम क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मांगा जा रहा है। जैसे आप देख रहे हो स्किल रिक्वायर्ड क्या है, कंटेंट राइटिंग और SEO राइटिंग का स्किल चाहिए बेसिकली। अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ के, किसी भी टाइटल के ऊपर लिखना आपको, तो आपको उसके बारे में अच्छे से राइटिंग करना आता हो, ये दिस इज़ नॉट वेरी टफ टास्क है, ये आराम से आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आराम से कंटेंट राइटिंग के बारे में बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप लर्न करके उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, हाई आई एम सर्चिंग फॉर एन एक्सपीरियंस SEO कंटेंट राइटर, एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं, बट स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस। सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ें ये लोग मांग रहे हैं, और इसके बाद आपको सेंड प्रपोजल करना है। सेंड प्रपोजल करने के लिए आप यहाँ पे अपने बारे में प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का एक्सपीरियंस रहता है आपके पास, और यहाँ पे आप कोटेशन में डाल सकते हैं कि आपको क्या अमाउंट आपको चार्ज करना है उसके लिए, राइट। और उसके बाद आप सेंड प्रपोजल कर सकते हैं। पैसे की बात करें गाइस, तो वो आपको पेपाल्स के थ्रू मिलेगा, और उसके अलावा आपके बैंक में भी पैसे यहाँ पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से पेमेंट मिल जाएगा। पेमेंट ऑप्शन पे चल के देख लेते एक बार। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है पेमेंट का, यहाँ पे क्या है, जीरो। अभी तो मैंने कोई काम नहीं करा यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे वैलेट जीरो दिखा रहा है, बट जैसे ही आप काम करना स्टार्ट कर देंगे आपको यहाँ मिल जाएगा। और आप चाहे तो यहाँ पे आपका नाम वगैरह डाल के, पैन कार्ड और आपका जो भी चीज़ें यहाँ पे, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जिससे आपको पेमेंट मिलने में आसानी हो जाएगी, राइट। तो होप करता हूँ गाइस मैंने हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कवर करा है यहाँ पे। अगर आपको अभी भी किसी तरह की डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो है PWNVRM54, वो आपको ऊपर दिख जाएगा, तो वहाँ से आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है। मैं आपको 100% वहाँ पे हर एक मैसेज से रिप्लाई करूँगा, और ज़्यादा कंसर्न होगा तो मैं आपसे कॉल पर भी बात कर लूँगा, राइट। तो होप करता हूँ वीडियो क्लियर है, हर चीज़ आपको सारे डाउट क्लियर हो गई है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करना फटाफट कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को उन सारे लोगों के साथ शेयर करिए जिनको अभी फिलहाल इस तरह के जॉब का रिक्वायरमेंट है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्माइलिंग।